हाँ भाई लोगों, तो मैं अभी टोपो से नेपियर जा रहा हूँ, नेपियर सिटी, और बीच में एक सीनिक लुकआउट आ गया। ये आपके नाम, वाओ। जो फॉल्स है, जो वाटरफॉल है, इसको वाइपुंगा वाटरफॉल बोलते हैं, वाइपुंगा वाटरफॉल। अब आपको भी होटल रूम के दर्शन करा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से दरवाज़ा खुलते हैं, धक्का मारो, धक्का मारो, ये एंटर करो। तो एंटर करने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पे मिनी किचन है, तो गेस्ट स्टोव है, माइक्रोवेव है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे कटलरी है थोड़ी, यहाँ पे केटल है चाय बनाने का, और काफी स्टोरेज है, सिंक दे रखा है, चाय कॉफी दे रखी है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, पता नहीं ये चार्ज करेंगे, वाइन की बोतल है, और जो भी है अगर यूज करते हैं तो पे करना पड़ेगा शायद, आई डोंट नो। फ्रिज है यहाँ पे, ड्रॉर है, डस्टबिन, चम्मच वम्मच, तो ये किचन का एरिया इन शॉर्ट। और बाथरूम, तो बाथरूम ऐसा है, ये है शावर, ये आपका रोजाना करने के लिए, फ्लश के बटन्स, टिश्यू पेपर, यहाँ पे थोड़ा सा विंडो वुडन उसके साथ, ब्लाइंड्स के साथ, इसको ब्लाइंड्स बोलते हैं, कर्टन जैसा, टिश्यू पेपर, सॉरी टॉयलेट पेपर, वॉश बेसिन, कुछ शैम्पू वैम्पू, साबुन, टावल, और टावल यहाँ पे भी है, और ये रहा हमें। तो बहुत ही बढ़िया बाथरूम है, नीट एंड क्लीन एकदम, ठीक है? तो किचन एंड बाथरूम, फिर यहाँ पे है आयन, आयन बोर्ड, और हैंगर में कुछ सामान टांगने के लिए, टी शर्ट वी शर्ट। अब अपने रूम देखते हैं, तो स्टार्टिंग में टेबल है यहाँ पे कामकाज करने के लिए, कुछ पेंटिंग वेंटिंग है, बढ़िया सी मिरर है, यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल सा दे रखा है, टीवी है बड़ा सा, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे सोफा, टेबल और दूसरा सोफा, लैंप। अब सबसे बढ़िया जो चीज़ मेरे को लगी है, ठीक है, दो चीज़। पहले तो ये होटल 5 स्टार है, 5 स्टार अपार्टमेंट के जैसे, जैसे booking.com में देखोगे तो 5 स्टार इसको कैटेगरी, जैसे 5 स्टार होटल है तो ऐसे ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। और सबसे बढ़िया मुझे दो चीज़ लगी ये रूम में, एक चीज़ है जो ये है, जी हाँ, ये है स्पा जकूजी। जकूजी पर शाम को बबल बात, किसी को स्पा और जकूजी के जो बबल पानी भर के तो रिलैक्स कर सकते हो यहाँ पे बैठ के। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है जो ये है, जैसे यहाँ पे बैल्कनी है, पर्दा खोलो और सीधा वहाँ पे सी व्यू। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होटल का नाम है द नॉटिलस, इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था न्यूजीलैंड डॉलर 264, जो कि यानी 264 न्यूजीलैंड डॉलर्स, जो कि रफली होता है इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 13,000 रुपये, 13,000 रुपये एक नाइट का था प्राइसिंग ये होटल का। और जैसे ही बाहर जाते हो तो ये सी व्यू वहां पे, जैसे अपने बॉम्बे में मरीन ड्राइव है, ऐसे ही ये जो रास्ता है नेपियर में, ये जो पूरा रास्ता है इसे मरीन परेड बोला जाता है, मरीन परेड, और वहाँ पे पूरा सी व्यू है, बड़े आलीशान से पेड़, और यहाँ पे
टेबल, ठीक है। तो ये है बालकनी, तो ये बालकनी वाला मैं बाद में करूँगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बेड है, वेरी वेल मेड बेड, एयर कंडीशन है, पेंटिंग है, जकूजी स्पा है, बड़ा सा टीवी है, डाइनिंग टेबल, स्पा टेबल, पेंटिंग मिरर, किचन मिनी, बाथरूम क्लीन साफ, और क्या चाहिए। तो आज शाम को ये होटल में अभी मैं चिल आउट करूँगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई बात, भाई लोगों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर आप कहीं पे भी होटल में जाते हैं और वहाँ की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, ये है या ऐसे बर्तन उठा लिए, ठीक है, कोई भी स्पून इवन चम्मच यूज़ करते हैं, तो इट्स वर्थ कि आप एक बार उसको धो लीजिए। क्यों धोना चाहिए वो आप ही सोच लो, क्योंकि देखो एक देखो ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन हू नोस कि जो साफ़ सफाई करने वाले हैं जब वो करते होंगे साफ़, कोई भी मेहमान जब छोड़ के गया चेकआउट किया तो ऐसा पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे भी करके रिंस करके रख देंगे वापस। ऐसा काफ़ी जगह होता होगा, ठीक है, मैं यूँ नहीं बोल रहा कि होता ही है, लेकिन होता होगा। तो बस खुद की पीस ऑफ माइंड के लिए एक बार धो लेना चाहिए और फिर यूज़ करना चाहिए, तो ध्यान रखना। और हो सके तो ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है वो भी नहीं पता, जैसे जो टावल्स हैं होटल वाले जो टावल्स देते हैं, खुद का एक टावल भी ले जाया करो या दो तीन टावल ले जाया करो, तो हाइजीन पर्पस व्यू से अच्छा रहता है, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। यूँ नहीं कह रहा कि ये सब ख़राब है, लेकिन हू नोस, क्योंकि कुछ होटल वाले एकदम शॉर्टकट मारते होंगे काम काज में, तो गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान रखना। ये टिप दिया आपको मैंने। भाई लोगों, तो मैं थोड़ा वॉकिंग करने निकला हूँ। अभी मैं हूँ नेपियर में। नेपियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑकलैंड से 5.5-6 घंटे के बाय रोड जर्नी है, और मैं आया था टोपो से, ठीक है। मैं पहले ऑकलैंड से टोपो गया था, जो 3.5 से 4 घंटे की जर्नी है फ्रॉम ऑकलैंड। कल एक रात मैं टोपो रुका और आज मैं टोपो से नेपियर आया हूँ। तो वो जो होटल का टूर किया था वो रहा मेरा सामने होटल, और यहाँ पे बीच है। अभी थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, लेकिन जनरली जो बीच का पानी का कलर है वो ग्रीन और जो होता है ना क्रिस्टल ब्लू, वैसे टाइप का होता है। तो और ये नेपियर एकदम ईस्ट में है, ठीक है, न्यूजीलैंड का एकदम ईस्ट है। तो यहाँ पे सनसेट नहीं होगा, यहाँ से मेरे ख्याल से सनराइज होता होगा और सनसेट दूसरी तरफ होता होगा। तो कल सवेरे जब सनराइज़ होगा तब मैं आपको, अगर बादल नहीं है, हवा नहीं चल रही है, तो मैं आपको क्लियर जो ये बीच है वो दिखाऊंगा। लेकिन नेपियर जनरली फेमस है, नेपियर फेमस है इसके पुराने आर्किटेक्चर जैसे, ठीक है, जो बिल्डिंग्स हैं वो पुराने ज़माने के यूरोपियन स्टाइल के बिल्डिंग हैं वैसे बने हुए हैं। उसका रीज़न है क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, सब चीज़ गिर गया था, टूट गया था, तो उसके बाद जो भी डिज़ाइन किया था वो पुराने स्टाइल का। तो जो मेरा होटल है वो भी बाहर से एकदम पुराने स्टाइल का दिख रहा है, एकदम अंदर से भले एकदम अप टू डेट है लेकिन अंदर से वैसा है। ऐसे ही सिटी में काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी जो पुराने स्टाइल की है। तो इसको आर्ट डेको कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड कहा जाता है। आर्ट देखो यानी आर्किटेक्चरली डेकोरेशन वैसे टाइप का, ठीक है ना। तो ये देखो कुछ बना के रखा है इन्होंने बीच पे, पता नहीं क्या है, पढ़ते अपने। कुछ सनराइज के बारे में, सनसेट के बारे में पता नहीं भैया। ये जो बीच में जो है गोल, बीच में जो गोल है वो मेरे ख्याल से सन सन बताया होगा, सूरज होगा। चलो थोड़ा वॉक करते हैं, पहले तो बीच देखते हैं थोड़ा।
भाई साहब बहुत गंद मर रही है यहाँ पे, पता नहीं कोई मरा हुआ जानवर हो या कुछ हो ना, ऐसी गंद। हाँ हवा तो बहुत तेज चल रही लेकिन बहुत गंद मार रही है। तो भाई लोगों बहुत बढ़िया है, मैं जैसे आपको बताया चिलेक्स करने आया हूँ, सिर्फ रिलैक्स, कोई झंझट नहीं दुनिया की। देखो कोई कोई नहीं दिख रहा, बहुत सुनसान पड़ा हुआ है। आज मैं वैसे भी आज 25 तारीख है, आज क्रिसमस डे है तो सब लोग अपने घर पे होंगे, लेकिन बस मैं ऐसे ही माइंड को फ्री करने आया हूँ। ठीक है, बहुत काम किया पूरे साल तो खुद के लिए आया हूँ मैं, टूरिस्ट प्लेस और क्राउडेड प्लेस से दूर। यहाँ पे बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखाने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है कि जैसे ये रास्ता है मिनी, यानी छोटा सा इन्होंने वो बनाया है, लाइट्स लगा के रखी है तो, और ये कैसे ट्रैफिक पे रुकना है, गोल चक्कर पे कैसे करना है, तो वो सब यहाँ पे बना के रखा है। सिर्फ बच्चों को एंट्री है, उनके पेरेंट्स को, तो वो लाइट देख सक रहे हो ट्रैफिक लाइट्स, तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे यहाँ पे समझाते हैं बच्चों को। काफी शहरों में यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट ने बना के रखा है। अच्छा यहाँ पे ये बोल के रखा है कि यहाँ पे स्विम नहीं करना है और ज्यादा नजदीक तक भी नहीं जाना है पानी के, तो अच्छा है अपन ने पानी को टच नहीं किया था, तो वार्निंग लिख के दिया कि अनएक्सपेक्टेड वेव्स आती हैं और यहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं है, तो यानी सावधानी का मैसेज लिखा हुआ है वहाँ पे। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, देखो पुराने जमाने जैसी है ना आइसक्रीम की शॉप, जैसे बताया था आपको। ये यहाँ का पब्लिक टॉयलेट, पूरा खाली पड़ा हुआ है। आज बोला ना क्रिसमस डे है 25 दिसंबर तो सब लोग घर पे होंगे। बहुत बढ़िया ये क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा है यार। ये अपनी राम प्यारे ऑकलैंड टॉपो और नेपियर तक पहुंच गई। मेरे सब दोस्तों को यो था कि अमित राम प्यारी तेरी जाएगी कि नहीं, आ गई ना अपनी मेरी प्यारी सी गाड़ी। अब चलो ऊपर जाते हैं, थर्ड फ्लोर पे है। बहुत ही बढ़िया है यार ये, सिर्फ चढ़ाई करनी पड़ रही है, बस इतना ही है। तो अपना 302 नंबर आ गया। चलो बीच में चल के आ गए, कल सवेरे होपफुली ब्राइट एंड सनी होगा
तो मजा आएगा सवेरे सवेरे लेते हैं वीडियो। और अभी पर्दा वर्दा खुलते हैं। अरे ये भी तो करना है आज। मजा आएगा। लेकिन पर्दा वर्दा खोलने दो। और बाहर बैठते हैं मस्त एकदम। तो भाई लोगों, मैं अभी बैठा हूँ नेपियर के नोटिलस होटल के बैल्कनी में, ठीक है। और मैं बस ये व्यू देख रहा हूँ यहाँ से बैठ के, रिलैक्स कर रहा हूँ, चिलैक्स कर रहा हूँ एकदम। और साथ में एक बियर ले रहा हूँ, ठीक है। आपके नाम से चीयर्स गाइस। बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई लोगों। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा चिलैक्स करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घुमक्कड़ी गिरी करने नहीं आया, सिर्फ रिलैक्स करने आया हूँ कुछ दिन। और बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम फ्री हो गया माइंड। तो बस चिलैक्स कर रहा हूँ और फिर कल ऑकलैंड के लिए निकलेंगे, या देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना। फॉर नाउ अभी यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ बालकनी में थोड़ा, और फिर अंदर जाके वो जकुजी है ना, वहाँ पे भी रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैं बियर एंजॉय कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं।